आज की है हमारी इस गुफ्तगू का मौजू जो है सफ़रनामे की रिवायत है। सफ़रनामे के फ़न पर अलग से लेक्चर हमारे चैनल पर मौजूद है। अभी हमें उसकी फ़न पर और उसकी अहमियत या ज़रूरत पर गुफ्तगू नहीं करनी है, बल्कि इस गुफ्तगू का मौजू सिर्फ उर्दू में सफ़रनामों की रिवायत है। उर्दू में सफ़रनामों की रिवायत को हम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करके देखते हैं, आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद। फिर आज़ादी से कबल का जो दौर है उसको भी दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, एक तो 19वीं सदी के सफ़रनामे और दूसरे 20वीं सदी के सफ़रनामे 1947 तक, मतलब 20वीं सदी के निसफ तक। बुनियादी बात रिवायत पर जाने से पहले इस बारे में हमें ज़हन में रखना ज़रूरी है कि बुनियादी खसूसियात जो है, क्योंकि अभी हमारा मौजू ये नहीं है कि हम सफ़रनामों की खसूसियात पर गुफ्तगू करें हर सफ़रनामे की, बल्कि हमें अभी सिर्फ रिवायत बयान करनी है। तो एक बुनियादी बात बस जहन में रख सकते हैं खसूसियात के हवाले से कि आज़ादी से कबल के जो सफ़रनामे हैं, आज़ादी से पहले जो सफ़रनामे लिखे गए हैं, उनमें ज़्यादातर मालूमात फ्राहम करने का रुझान जो है वो ज़्यादा गालिब है। तारीख़ और जुग्राफिया पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, अंग्रेज़ी तहजीब से मरूबियत भी नज़र आती है। वहीं उसके बिलमुकाबिल आज़ादी के बाद जो सफ़रनामे लिखे गए हैं, उन सफ़रनामों में हम देखते हैं कि मालूमात से ज़्यादा जज्बात को अहमियत हासिल है, ज़ाती कैफियत का बयान ज़्यादा मिलता है उन सफ़रनामों में। बतौर ख़ास वो सफ़रनामे जो पाकिस्तानी मुहाजरीन ने हिंदुस्तान के हवाले से लिखे, या तकसीम के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वालों ने, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वालों ने, या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वालों ने, जो मुहाजरीन थे उन्होंने जो सफ़रनामे लिखे, उनमें अंदरूनी कैफियत और शद्दोमद और कशमकश का बयानिया हमें नज़र आता है। दरअसल अपने ही घर में अजनबी बनकर आना एक अजीब सानहा था, और जाहिर सी बात है इसका असर पड़ना था। तो ये बुनियादी एक फ़र्क हमें नज़र आता है आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद के अफसानों में बुनियादी तौर पर। इसके अलावा बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत सारे फ़नी फ़र्क हैं, लेकिन अभी हमारा मौजू गुफ्तगू वो नहीं है, बल्कि अभी हमें सिर्फ सफ़रनामों की रिवायत से गुफ्तगू करनी है। तो पहले दौर में यानी आज़ादी से कबल के जो सफ़रनामे लिखे गए उन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी वो सफ़रनामे जो 19वीं सदी में लिखे गए और वो सफ़रनामे जो 20वीं सदी में लिखे गए आज़ादी से कबल तक, 1947 से कबल तक। 19वीं सदी में जो सफ़रनामे लिखे गए उनमें ज़्यादातर सफ़रनामों का ताल्लुक जो है वो बरतानिया और यूरोप से है, ज़्यादातर लोगों ने वहीं के सफ़र किए और वहीं के सफ़रनामे लिखे। उनमें नौ आबादियाती जहन बहुत नुमाया है, क्योंकि वो एक नई तहजीब आ रही थी और अंग्रेज़ी तहजीब का गलबा हो रहा था, तो उस तहजीब उस मुआशरत से मरूबियत यहाँ तक कि सर सैयद अहमद ख़ान के यहाँ भी वो कुछ हद तक नज़र आती है, उस तहजीब से मरूब होना या उस तहजीब से मुतासिर होना हद से ज़्यादा। ये मुत्तफ़िका है कि ये उर्दू का तकरीबन तमाम मुहक्किकीन ने इस बात पर इत्तेफाक़ किया है कि उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा अजाइबात फ़रंग है, जो कि यूसुफ़ ख़ान कम्बलपोश की तसनीफ़ है। इसके इशाद के बारे में इख्तलाफ़ है, लेकिन ज़्यादातर मुहक्किकीन ने 1847 को इसका सन इशाद तस्लीम किया है। उसके अलावा 19वीं सदी के सफ़रनामों में सियाहत नामे के नाम से नवाब करीम ख़ान का एक सफ़रनामा हमें मिलता है, जो कि डायरी की शक्ल में लिखा गया है, डायरी की तकनीक में ये सफ़रनामा लिखा गया है। तारीख़ अफ़गानिस्तान के नाम से फिदा हुसैन का सफ़रनामा हमें मिलता है, जो कि रोज़नामचे की तकनीक में लिखा गया है। सफ़र फ़रंग के नाम से मिर्ज़ा अबू तालिब ख़ान अस्फ़हान का एक सफ़रनामा भी हमें 19वीं सदी में मिलता है। उसके अलावा उनका एक और सफ़रनामा सैर तालबी के नाम से भी उर्दू सफ़रनामे की रिवायत का हिस्सा है। मौलवी मोहम्मद मसीहुद्दीन अलवी ने भी एक सफ़रनामा 19वीं सदी में ही, इनका एक सफ़रनामा हमें तारीख़ इंग्लिस्तान और सफ़रनामा लंदन मिलता है। मुसाफिरान लंदन के नाम से एक बहुत अहम सफ़रनामा सर सैयद अहमद ख़ान का उर्दू रिवायत का हिस्सा है, जो कि 1869 में उन्होंने जब सफ़र किया तो उस दौरान उन्होंने उसी वक्त उसी साल जो लंदन का सफ़र किया तो उन्होंने वो सफ़रनामा लिखा मुसाफिरान लंदन के नाम से सर सैयद अहमद ख़ान का। उर्दू सफ़रनामे की रिवायत में इसे बहुत अहम मकाम हासिल है। सर सैयद अहमद ख़ान ने ही सफ़रनामा पंजाब के नाम से भी एक सफ़रनामा लिखा, जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर छपा अलग अलग तरीके से, जब इन्होंने अलग अलग सफ़र किए, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर और पटियाला वगैरह के इन्होंने अलग अलग सफ़र किया और अलग अलग मौक़ों पर उनकी रुदाद लिखी, बाद में उसे तरतीब दिया गया जिसका नाम सफ़रनामा पंजाब रखा। सर सैयद अहमद ख़ान का ये सफ़रनामा है। फिर एडवर्ड हर्नी पामीर का एक सफ़रनामा सफ़रनामा पामीर है, ये भी उर्दू में लिखा गया है। सफ़रनामा पामीर एडवर्ड हर्नी पामीर इसका मुसन्निफ़ है। मिर्ज़ा निसार अली बेग का भी एक सफ़रनामा
सफ़रनामा यूरोप के नाम से हमें मिलता है। सैर हामिदी के नाम से नवाब रामपुर मोहम्मद हामिद अली ख़ान ने भी अपने असफ़ार की रुदाद लिखी और ये सफ़रनामा हमारी रिवायत का हिस्सा है। नवाब मोहम्मद उमर ख़ान एक अहम नाम है सफ़रनामे की रिवायत का। इन्होंने कई सफ़रनामे लिखे हैं, मुतअद्दिद सफ़रनामे लिखे हैं। इनके सफ़रनामों में ज़्यादे सफ़र एक इनका एक सफ़रनामा है जो कि कलकत्ता, लखनऊ, हैदराबाद और लाहौर के सफ़र पर मुश्तमिल है। ज़्यादे गरीब के नाम से अपने हज के सफ़र को इन्होंने कलमबंद किया है। आईना फरंग इनका एक सफ़रनामा है जिसमें लंदन, पेरिस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और तुर्की वगैरह का जिक्र है। सफ़रनामा रईस के नाम से इन्होंने अपने श्रीलंका का सफ़रनामा लिखा है। नेरंगे रंगून इनका एक सफ़रनामा है जो कि बर्मा के सफ़र पर मुश्तमिल है। नेरंगे चीन नाम से ही जाहिर है, चीन के सफ़र पर मुश्तमिल है। फरहंगे फरंग मास्को, बिलग्राद, बेल्जियम और जर्मनी जैसे ममालिक का इन्होंने दौरा किया, सफ़र किया, उसका सफ़रनामा इन्होंने फरहंगे फरंग के नाम से लिखा। कंदे मगरबी एक सफ़रनामा है इनका जो कि अंदलुस के सफ़र पर मुश्तमिल है। तो नवाब मोहम्मद उमर ख़ान एक अहम नाम है। इनके ये कई सफ़रनामे इन्होंने लिखे हैं जिनमें ये अहम सफ़रनामे ये थे। डॉक्टर शाह अली सब्ज़वारी भी उस दौर के एक अहम नाम है। इन्होंने भी खौफनाक दुनिया के नाम से अफ्रीका का सफ़रनामा लिखा। 19वीं सदी में ही एक बहुत ही अहम सफ़रनामा शिबली नोमानी का हमें मिलता है, सफ़रनामा रूम, मिस्र और शाम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये यूरोप का यानी रूम, मिस्र और शाम वगैरह का सफ़रनामा है। सैर ईरान के नाम से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी 1885 में एक सफ़रनामा लिखा है। एक और सफ़रनामा, उस अहम सफ़रनामा उस दौर में काला पानी भी है, मोहम्मद जाफ़र थानेसरी की ये तसनीफ़ है जिसका एक तारीख़ अजीब भी इसका एक नाम है। ये बुनियादी तौर पर एक खुदनविश्त की तकनीक में है या खुदनविश्त भी से कहा जा सकता है। इन्होंने वहाँ तक 18 बरस तक वहाँ ज़िंदगी गुजारी काला पानी में, और 1880 में तकरीबन इन्होंने ये सफ़रनामा लिखा काला पानी के नाम से। ये भी उर्दू का एक अहम सफ़रनामा है। मौलवी अब्दुलरहमान अमृतसरी ने मिस्र शाम और रूम का सफ़र किया था। इन्होंने भी सफ़रनामा बलाद इस्लामिया के नाम से अपने उस सफ़र की रुदाद लिखी। उसके बाद 20वीं सदी में आज़ादी से कबल के हम सफ़रनामों पर जब रोशनी डालते हैं तो सफ़रनामा यूरोप के नाम से मुंशी महबूब आलम का हमें एक सफ़रनामा मिलता है जो कि पैसा अखबार के एडिटर थे। तकरीबन 1900 में ये सफ़रनामा शाये हुआ है। फ़्रांस, इंग्लिस्तान, रूम, शाम और मिस्र का उन्होंने सफ़र किया था जिसकी रुदाद। इनके सफ़रनामे की खसूसियत यह है कि मुंशी महबूब आलम ने अपने सफ़रनामों में, मतलब अपने सफ़र में जिन ममालिक का सफ़र किया जैसे फ़्रांस, इंग्लिस्तान, रूम, शाम, मिस्र वगैरह का, तो उनको एक सयाह, एक सियासतदान और एक सहाफ़ी की नज़र से देखा। यानी वहाँ की सियासत का बयान भी किया, वहाँ की सहाफ़ी की नज़र से भी वहाँ की तहजीब का मुताला किया और सयाह की नज़र से तो देखा। इनके सफ़रनामे में तहय्युर, इस्तराब, जस्तजू और जुज़रसी जो हैं इनके सफ़रनामे की अहम खसूसियात हैं। इनका एक और सफ़रनामा बगदाद के नाम से भी है मुंशी महबूब आलम का। इंडियन प्रेस डिपुटेशन जो आलमी जंग के ख़तरात से इराक़ अरब को बाखबर करने के लिए भेजा गया था, ये उसका हिस्सा थे, उसके ये रुकन थे, तो उन्होंने एक सफ़रनामा तरतीब दिया जिसका नाम सफ़रनामा बगदाद रखा। सियाहत फ़तह खानी के नाम से एक सफ़रनामा हमें नवाब फ़तह अली ख़ान फजल फबाश का मिलता है। ये अली रज़ा आबाद की रियासत के रईस थे नवाब फ़तह अली ख़ान फजल बाश। इनका एक सफ़रनामा हमें सियाहत फ़तह खानी के नाम से मिलता है। इसमें उनके इंग्लिस्तान और उनके लाहौर के सफ़र की रुदाद है। रिसाला मखज़न के मदीर सर अब्दुल क़ादिर ने मकाम खिलाफत के नाम से तुर्की का भी एक सफ़रनामा मरतब किया है। उसके अलावा सर अब्दुल क़ादिर ने एक और सफ़रनामा सियाहत नामा यूरोप के नाम से भी लिखा है। रोज़ नामचा सियाहत के नाम से ख्वाजा ग़ुलाम सकलैन ने रूस, कुस्तनतुनिया, इराक़, ईरान और अरब के सफ़र की रुदाद बयान की है। उसके अलावा ख्वाजा हसन निज़ामी उस दौर के अहम सफ़रनामा नवेस हैं। इन्होंने भी कई सफ़रनामे लिखे हैं जो कि रोज़ नामचे की तकनीक में हैं। उनमें सफ़रनामा हिंदुस्तान है, सैर दहली, उसके अलावा सफ़रनामा मिस्र फ़िलिस्तीनो शामो हिजाज़ और सफ़रनामा अफ़गानिस्तान शामिल हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के सफ़रनामों में जो कि रोज़नामचे की तकनीक में। मुशाहिदात काबुल याग़िस्तान के नाम से मौलवी मोहम्मद अली कसूरी ने भी एक सफ़रनामा तरतीब दिया है, सफ़रनामा लिखा है। उसके अलावा काबुल में 7 साल के नाम से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने भी एक सफ़रनामा लिखा है जो कि उनका एक सियासी सफ़र था, तो उसी पस मंज़र में ये सफ़रनामा लिखा गया। सैर अफ़गानिस्तान के नाम से सैयद सुलेमान नदवी ने भी एक सफ़रनामा लिखा। ये दरअसल नादिर शाह ने तालीमी असलाहत के लिए दावत दी थी कुछ लोगों को दावत दी थी जिसमें सैयद सुलेमान नदवी के साथ इकबाल और सर्रास मसूद भी थे।
तो उस दौरान जो सैयद सुलेमान नदवी ने जो सफ़र किया अफ़गानिस्तान का, उसकी जो रुदाद लिखी उसका सफ़रनामा इन्होंने सैर अफ़गानिस्तान के नाम से लिखा। सियाहतनामा के नाम से नवाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जो कि हैदराबाद दक्कन के नवाब थे उनका एक सफ़रनामा हमें मिलता है जो कि यूरोप और अमरीका का सफ़रनामा है। गाज़ी अमानुल्लाह जो कि वाली अफ़गानिस्तान थे इनका भी एक सफ़रनामा शाह अफ़गानिस्तान है जो कि अफ़गानिस्तान के शहनशाह के सफ़रनामा अफ़गानिस्तान के शहनशाह का सफ़रनामा है जो उनके हुक्म पर इन्होंने लिखा है। इस सफ़रनामे में हिंदुस्तान, अदन, इटली, तुर्किस्तान, रूस, जर्मनी, फ़्रांस और इंग्लिस्तान वगैरह का जिक्र है, इंग्लिस्तान वगैरह के सफ़र का जिक्र है। हकीकत जापान के नाम से मोहम्मद बदरुल इस्लाम फजरी ने 1930 में एक सफ़रनामा लिखा। उसके अलावा सफ़रनामा अंदलुस के नाम से भी उसी दौर में काजी वली मोहम्मद ने भी एक सफ़रनामा लिखा। सियाहत सुल्तानी के नाम से शाहबानो का लंदन का सफ़रनामा हमें मिलता है। सैर यूरोप के नाम से नाज़ली रफ़िया सुल्तान बेगम ने 1908 में एक सफ़रनामा तरतीब दिया। सफ़रनामा हिजाज और सफ़रनामा इराक़ के नाम से निशातुन्निसा बेगम का एक सफ़रनामा भी उर्दू रिवायत का हिस्सा है। सर रज़ा अली ने जनूबी अफ्रीका का सफ़र किया और उसका सफ़रनामा उन्होंने अमालनामा के नाम से लिखा जो कि 1935 में शाया हुआ। यूरोप जंग से पहले 1938 में लिखा गया एक सफ़रनामा है जिसके मुसन्निफ़ हारून खां शेरवानी है। उसके अलावा मुशाहिदात इरफानी के नाम से यूरोप और बिलाद इस्लामिया का एक सफ़रनामा याकूब अली खां इरफानी ने भी लिखा। ज़माने तहसील के नाम से अतिया बेगम फैज़ी का भी एक सफ़रनामा उनके खतूत की मदद से मुरतब किया गया है। उसके अलावा सफ़रनामा शेख़ुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन भी एक सफ़रनामा है जिसको मौलाना हुसैन अहमद मदनी लिखा। तूफ़ान से साहिल तक के नाम से सफ़र हिजाज का एक सफ़रनामा मोहम्मद असद ने भी उसी दौर में लिखा है। उसके अलावा उस दौर में एक सफ़रनामा था जो कि असल नाम जिसका नाम था द रोड टू मक्का, जिसका उर्दू तर्जमा किया है मौलवी मोहम्मद अल हुसैनी ने, यह भी उस दौर का एक सफ़रनामा है जो तर्जमा है। मुरक्का हिजाज के नाम से मौलाना हसनुद्दीन खामोश ने भी एक सफ़रनामा लिखा है जो कि रोज़नांचे की तकनीक में है। उसके अलावा मुसाफिर की डायरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डायरी की तकनीक में सफ़रनामा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, मुसाफिर की डायरी। इस सफ़रनामे में 1938 में वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के अलावा 17 ममालिक का उन्होंने दौरा किया था जिनमें कोलम्बो, हांगकॉन्ग, टोक्यो, कैनेडा, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, अफगानिस्तान, फ़्रांस, तुर्की, इराक़ ईरान वगैरह शामिल हैं। तो इन ममालिक का जो सफ़र उन्होंने किया ख्वाजा अहमद अब्बास ने डायरी की शक्ल में उसका सफ़रनामा उन्होंने मुसाफिर की डायरी के नाम से तरतीब किया। आगा मोहम्मद अशरफ एक अहम नाम है उर्दू सफ़रनामे की रिवायत में। इनके भी कुछ अहम सफ़रनामे हमें मिलते हैं, जैसे लंदन से आदाब अर्ज़ है और देश से बाहर जो कि अफ्रीका, ईरान और श्रीलंका का सफ़रनामा है। उसके अलावा सफ़रनामा यूरोप और अमेरिका के नाम से नवाब लियाकत अली जंग का भी एक सफ़रनामा हमें मिलता है और आज़ादी से पहले इशरत सिद्दीकी का भी एक सफ़रनामा हमें मिलता है जिसका नाम लिनन गिराट था समरकंद। उसके बाद आज़ादी के बाद सहूलियात भी बढ़ जाती हैं, सफ़रनामा निगारी के फ़न में भी पुख्तगी आती है और कुछ फ़नी चीज़ें और निकात भी बदलते हैं। आज़ादी के बाद लिखे गए सफ़रनामों में एक अहम सफ़रनामा रहनवर्द शौक सैयद आबिद हुसैन का है जो कि इराक़ व शाम से सालिहा आबिद हुसैन जो कि इनकी सौजा हैं, जो कि इनकी बीवी हैं, उनको जो इन्होंने खतूत लिखे थे इराक़ और शाम से 1977 में, उन खतूत की मदद से एक सफ़रनामा इन्होंने बाद में लिखा जिसे मतलब बाद में मुरतब किया गया जिसका रहनवर्द शौक जिसका नाम रखा। सैयद आबिद हुसैन की ही बीवी सालिहा आबिद हुसैन की खुदनविश्त का एक हिस्सा है, उसे भी एक सफ़रनामा तस्लीम किया जाता है। सफ़र ज़िंदगी के लिए सोजो साज के नाम से वो सफ़रनामा है जिसमें कश्मीर, लखनऊ, आगरा, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, महाबलेश्वर वगैरह के सफ़र का तस्करा है। पाकिस्तानी अज़ा से जज्बाती वाबस्तगी इनके सफ़रनामों की एक अहम खसूसियत के तौर पर नज़र आती है और इनके क्योंकि ये ख़ुद भी नाविल निगार थी तो इनके सफ़रनामे में भी नाविल की सी जुज़ियात निगारी नज़र आती है। आज़ादी के बाद के उर्दू के सफ़रनामे में उसके अलावा अमरीका, लंदन और पेरिस के सफ़र का सैयद एहतशाम हुसैन ने साहिल समंदर के नाम से एक सफ़रनामा लिखा, यह भी उर्दू सफ़रनामे की रिवायत का अहम हिस्सा है। पेरिस व पारस डॉक्टर सुरैया हसैन का सफ़रनामा है जिसमें 1957 में इन्होंने फ़्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लिस्तान के सफ़र जो किए थे उनका जिक्र है और 1982 में इन्होंने पेरिस का सफ़र किया था उसका जिक्र इस सफ़रनामे में है। अर्ज़ पाक से दयारे फरंग तक इबादत बरेलवी का सफ़रनामा है, 1962 सन तस्नीम बताया जाता है। इबादत बरेलवी का ही एक और सफ़रनामा तुर्की में 2 साल भी है जो कि जाहिर सी बात है नाम से जाहिर है तुर्की के सफ़र पर मुश्तमिल है। सैयद अबुल हसन अली नदवी अहम सफ़रनामा निगारों में इनका शुमार होता है क्योंकि कई सफ़रनामे उन्होंने लिखे हैं जिनमें तुर्की में 2 हफ़्ते इनका एक सफ़रनामा है। उसके अलावा काबुल से यरमूक तक
इनका एक सफ़रनामा है जो कि इन्होंने राबता आलम इस्लामी की दावत पर जब इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान, लिबनान, शाम, इराक और उर्दन वगैरह का सफ़र किया था तो उसका जिक्र इस सफ़रनामे में किया है जिसका नाम काबुल से यरमुक तक रखा है। उसके अलावा इनका एक और सफ़रनामा शर्क़ औसत में क्या देखा भी है 1953 में अफसाना छाया हुआ रेडियाई तकरीरों का। दरअसल ये रेडियाई तकरीरों का मजमूआ है जिसमें काहिरा और दमिश्क वगैरह के सफ़र का तذکرہ ہے۔ دو مسافر دو ملک مسعود احمد برکاتی کا ایک اہم سفرنامہ ہے جو کہ دراصل بچوں کے لیے لکھا گیا سفرنامہ ہے جس میں انگلستان اور فرانس کا ذکر کیا گیا ہے اور بچوں کی زبان کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے لیے یہ سفرنامہ لکھا گیا ہے۔ حکیم محمد سعید بھی اہم سفرنامہ نگار ہیں اور کئی سفرنامے انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے بھی بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سفرنامے لکھے ہیں جن میں یورپ نامہ، جرمنی نامہ، ماہ و روز جو کہ روس کا سفرنامہ ہے، شب و روز جو کہ دمشق، جدہ اور حلب کا سفرنامہ ہے، چار ملک ایک کہانی، کوریا کی کہانی، ازبکستان، اس طرح کے سفرنامے، کئی سفرنامے حکیم محمد سعید نے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا ادیب نے 1982 میں ایک سفرنامہ اپنے چین کے سفر پر ہمالیہ کے اس پار لکھا۔ سفر آشنا گوپی چند نارنگ ایک بڑا نام ہے اردو روایت کا، ان کا سفرنامہ ہے سفر آشنا جو کہ ان کے متعدد اسفار کا تذکرہ ہے جن میں جرمنی، ناروے، امریکہ، کینیڈا، انگلستان وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ خواجہ غلام السیدین بھی ایک اہم سفرنامہ نگار ہیں، انہوں نے بھی کئی ممالک کا سفر کیا اور ان کا سفرنامہ لکھا۔ دنیا میرا گاؤں کے نام سے وہ بعد میں یکجا کیا گیا جس میں ایران، یورپ، امریکہ، چین اور ناروے وغیرہ کے اسفار کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ مسافرانہ کے نام سے محمد طفیل جو کہ رسالہ نقوش کے ایڈیٹر تھے 1984 میں ان کا ایک سفرنامہ ملتا ہے مسافرانہ کے نام سے جو کہ اٹلی، جرمنی اور برطانیہ وغیرہ کے سفر پر مشتمل ہے۔ جنوبی ہند میں دو ہفتے کے نام سے جگنناتھ آزاد کا بھی سفرنامہ 1950 میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر آغا کا ایک سفرنامہ 20 دن انگلستان میں بھی اردو روایت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ سفرنامے کی پرانی روایت سے انحراف ہونے لگا اور سفرنامہ افسانے سے قریب تر ہوتا گیا، افسانوی رنگ سفرنامے میں آتا گیا۔ اس کے بعد جو سفرنامے لکھے گئے ان میں محمود نظامی کا ایک سفرنامہ ہے نظر نامہ جو کہ روم، مصر، پیرس، لندن اور میکسیکو کے سفرنامے پر مشتمل ہے۔ اختر ریاض الدین نے دو سفرنامے لکھے ہیں لندن، نیو یارک، میکسیکو، ماسکو، جاپان اور ہوائی وغیرہ کا انہوں نے سفر کیا تھا، انہیں اسفار کے تذکرے پر دو سفرنامے انہوں نے لکھے ہیں، دھنک پر قدم اور سات سمندر پار۔ اختر ریاض الدین کے یہ سفرنامے ہیں۔ جمیل الدین علی نے بھی کئی سفرنامے لکھے ہیں جن میں دنیا میرے آگے ایک ان کا سفرنامہ ہے جو فرانس، برطانیہ، روس، مصر، لبنان، ایران اور دہلی وغیرہ کے سفر پر مشتمل ہے۔ اور ان کا ایک اور سفرنامہ تماشا میرے آگے بھی ہے جو کہ جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور ہالینڈ وغیرہ کے سفر پر مشتمل ہے۔ مستنصر حسین تارڑ ایک اردو فکشن کا بہت بڑا نام ہے، ساتھ ہی ساتھ سفرنامے میں بھی ان کا ایک اہم مقام ہے کیونکہ خود بھی فکشن سے بہت قریب ہے تو ان کے سفرناموں میں فکشن کا رنگ بھی بہت گہرا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کئی سفرنامے لکھے ہیں جن میں نکلے تیری تلاش میں ان کا ایک سفرنامہ ہے، اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش کے نام سے بھی انہوں نے سفرنامہ لکھا۔ قرۃ العین حیدر نے بھی تو سفرنامے لکھے ہیں جن میں دکھلائیے لے جا کے اسے مصر کا بازار اور جہاں دیگر شامل ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی کچھ سفرنامے لکھے ہیں جن میں اے بنی اسرائیل اور تو ابھی رہ گزر میں ہے شامل ہے۔ اس کے علاوہ سفرنامے کی روایت میں افضل علوی کا بھی ایک سفرنامہ دیکھ لیا ایران اردو روایت کا حصہ ہے۔ خواب خواب سفر کے نام سے رام لال نے سویڈن، ڈنمارک اور لندن کا سفرنامہ لکھا۔ جہاں نما کے نام سے ایران، عراق، ترکی، ہالینڈ، جرمنی اور فرانس کا سفرنامہ ممتاز احمد خان نے لکھا۔ عبداللہ ملک اس دور کے اہم سفرنامہ نگار ہیں، انہوں نے بھی کئی سفرنامے لکھے ہیں جن میں کیوبا سے چند خطوط جو کہ نام سے ہی ظاہر خطوط کی شکل میں ہے، پولینڈ ایک سفر کا جائزہ، صوفیہ سے چند خطوط، ارض جنت سے سوویت یونین وغیرہ سفرنامے شامل ہیں۔ عطاء الحق قاسمی نے بھی امریکہ کا سفر کیا اور اس کا سفرنامہ شوق آوارگی کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار احمد تابش نے سری لنکا کے سفر کا سفرنامہ جوار بھاٹا کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ چین کی حقیقتیں اور افسانے کے نام سے وحید قریشی کا سفرنامہ ہمیں ملتا ہے۔ سایونارا کے نام سے نجمہ افتخار راجہ نے جاپان کا سفرنامہ لکھا۔ اس کے علاوہ صغرا مہدی کا بھی ایک اہم سفرنامہ سیر کر دنیا کی غافل لکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سفرنامے لکھے گئے اور آج بھی یہ روایت جاری ہے۔ اس کے علاوہ حج کے تعلق سے متعدد بے انتہا سفرنامے لکھے گئے جن کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، بس اتنا جان لینا چاہیے کہ حج کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے سفرنامے لکھے۔ اور دراصل اردو روایت کی شروعات میں زیادہ تر جو سفرنامے تھے وہ حج کے ہی سفرنامے تھے جن لوگوں نے حج کا سفر کیا اور وہاں کی روداد بیان کی، تو حج کے سفرناموں کا الگ سے ذکر کرنا سب کا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا بس ہم یہاں بس یہ کہنا ہے، ان پر الگ سے ہم لیکچر کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حج کے تعلق سے بھی اردو میں بہت سارے سفرنامے لکھے گئے ہیں۔